नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे मटेरिया के टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये भी चांसेस है कि आगे, आगे आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट पूछे जा सकते हैं तो हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स अपन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स ताकि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन है फ्रेंड्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर इज ए कॉमन टू एलोई सोराइनम र्यूमेक्स एंड सल्फर इनमें से कौन से सिम्टम है जो इन सभी मेडिसिन में कॉमनली देखने को मिलता है तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं हेड एक एग्रावेटेड इन विंटर ईचिंग ऑफ द स्किन एग्रावेटेड फ्रॉम कोल्ड एंड रिलीफ बाय वार्म ऑप्शन सी यर्ली मॉर्निंग डायरिया ड्राइविंग द पेशेंट आउट ऑफ बेड एंड ऑप्शन डी वन द पासिंग सेंसेशन एज इफ पिस्टूल वुड पास विथ हिट तो राइट right आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन सी यर्ली मॉर्निंग डायरिया ड्राइविंग द पेशेंट आउट ऑफ बेड ये सिम्टम इन सभी मेडिसिन में देखने को मिलता है कॉमनली ठीक है तो चलिए वन बाय वन सभी मेडिसिन के कंपैरिजन देख लेते हैं और इसके अंदर की और भी सिम्टम है उसको भी साथ में देखते चलते हैं जिससे कि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन एलोई मेडिसिन के सिम्टम इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं अपन को डायरिया में डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोज इट इमीजिएटली आफ्टर द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये सिम्टम और किस में देखने को मिलेगा अपन को प्रोटेल टिग्लिनम में ठीक है पेशेंट हरी टू क्लोज इट इमीजिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये सिम्टम हमको एलोई में देखने को मिलेगा साथ ही साथ क्रोटेन टिग्लिनम में विथ वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पिंगटर एंड आई ड्राइविंग आउट ऑफ बेड यर्ली इन द मॉर्निंग ठीक है तो ये हमने सिम्टम देखा ही है ये तो एलोई में है ही साथ ही साथ सोराइनम यूमेक्स एंड सल्फर में भी ये सिम्टम देखने को मिलेगा वैन द पासिंग ए फ्लैटर सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट तो ये सिम्टम और किस किस मेडिसिन में देखने को मिलेगा ओलियडर म्यूरेटिक एसिड एंड नेट्राम्यूर में ठीक है क्या है सेंसेशन पासिंग ए फ्लैटस सेंसेशन एज इफ पट्टूल वुड पास विथ इट तो ये सिम्टम इन सभी मेडिसिन में भी देखने को मिलेगा तो इसको भी याद रख लीजिए आप लोग ठीक है एंड द हेज ए हरी टू क्लोज इट इमीजिएटली आफ्टर द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये आपको प्रोटेलन टिगलीम एंड एलोई दोनों में ये सिम्टम देखने को मिलेगा ठीक है तो ये दोनों आप लोग इंपॉर्टेंट है ये दोनों सिम्टम याद कर लीजिए नेक्स्ट क्या देखते हैं हेड एक across the forehead aggravated by every foot step ठीक है ये symptom भी इसमें important है headache across the forehead aggravated by every foot step belladonna and bryonia में देखने को मिलेगा with heaviness of the eye and nausea headache are worse from the heat better from the cold application ये arsenic में देखने को मिलेगा ठीक है साथ ही साथ aloe में भी ये symptom है headache क्या है worse from heat and better by cold application ठीक है Arsenic को वार्म से रिलीफ मिलता है लेकिन हेडेक को रिलीफ किससे मिलता है कोल्ड एप्लीकेशन से और ये सिम्टम हम उनको एलोई में भी देखने को मिलेगा साथ ही साथ अल्टरनेटिंग विद द आफ्टर द इनसफिशियट स्टूल ये सिम्टम भी एलोई में देखने को मिलेगा आपको तो इसमें बहुत सारे सिम्टम हमने देख लिए एलोई के ठीक है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से मोशन तुरंत होने लगता है डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है साथ ही साथ क्या है इसमें विथ वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन एक्सपेंटर एंड नाई ड्राइविंग आउट ऑफ ये तो है ही सिम्टम साथ ही साथ वेन पासिंग ए फ्लैटर सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड बी पास विथ इट ये सिम्टम भी है हेड एक वाला सिम्टम भी है। हैड एक को रिलीफ मिलता है कोल्ड से साथ ही साथ क्या क्या होता है इसमें एग्रावेटेड बाय एवरी फुट स्टेप जैसे ही कदम बढ़ाता है पेशेंट को हेड एक तेज होने लगता है या दर्द बढ़ने लगता है बेलडोन ब्राइनियम ये सिम्टम है साथ ही साथ हैवीनेस ऑफ द आई एंड नोज फील भी होता है पेशेंट को और हेड एक इज वर्स फ्रॉम द हीट एंड रिलीफ फ्रॉम द कोल्ड तो ये सारे सिम्टम आप इसके एलो की याद कर लीजिएगा साथ ही साथ और कौन कौन सी मेडिसिन है इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं अपन फ्रेंड सोराइनम सोरायना में क्या है सिम्टम हेड एक का प्रिसडेड बाय फ्लिकरिंग बिफोर आई बाय डिमनेस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस ये कौन कौन सी मेडिसिन में है लेग डिफ्लोरेटम काली बाई में भी ये सिम्टम देखने को मिलेगा बाई ए स्पॉट्स ऑफ रिंग्स ठीक है हेड एक क्या प्रिसिटेड बाय फ्लिकरिंग बिफोर आई बाय द डिमनेस ऑफ विजन और, और ब्लाइंडनेस लेग डिफ्लोरेटम एंड काली बाई बाय द स्पॉट्स ऑफ रिंग्स ठीक है एंड हैड एक ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग एंड वाइल्ड ईटिंग से उसको रिलीफ मिलता है हमेशा उसको भूख लगती रहती है साथ ही साथ उसको रिलीफ किससे मिलता है वाइल्ड ईटिंग से ये सिम्टम किस में है एनाकार्डियम एंड कालीफॉस में भी ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा ठीक है एंड द फ्रॉम सप्रेज इरप्शन और सप्रेस्ड मैंसेज रिलीफ नोज ब्लीड में इसको रिलीफ मिलता है साथ ही साथ सप्रेस्ड इरप्शन और सप्रेस्ड मैंसेज से रिलीफ मिलता है नोज़ ब्लीडिंग में ठीक है क्या हेड में क्या सिम्टम है प्रिसटेड बाय फ्लिकरिंग बिफोर द आईज बाय द डिबनेस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस लेग डिफ्लोरेटम एंड कालीबाई में बाय द स्पॉट्स ऑफ रिंग्स एंड द हेड ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग ठीक है हेडेक कब होता है जब वो पेशेंट बहुत ज़्यादा भूखा होता है रिलीफ बाय ईटिंग से उसको हेडेक में रिलीफ मिलता है ये सिम्टम अपन को एनाकार्डियम एंड काली फॉस में भी देखने को मिलता है साथ ही साथ सप्रेस इरप्शन और सप्रेज मैंसेस रिलीफ बाय नोज़ ब्लीड नोज ब्लीड में सप्रेस इरप्शन और सप्रेज मैंसेज से नोज ब्लीड में रिलीफ देखने को मिलेगा नहीं ये तो देख लिया हमने सोराइनम में हेडेक के सिम्टम अब डायरिया के सिम्टम देखते हैं सडन इम्परेटिव एलोई एंड सल्फर स्टूल वाटरी डार्क ब्राउन फटाइड इसमें लाइक ए कैरी ऑन इन वॉलेंट्री एंड द एगराबेटेड एट नाइट फ्रॉम वन टू फोर ए एम एंड आफ्टर सीवियर एक्यूट डिसीज ठीक है क्या है सडन एंड इम्प्रेटिव होता है सडन एंड वॉलेंट होता है ये साथ ही साथ हमने देखा था एलोई सल्फ़र र्यूमेक्स ठीक है ये सारे सिम्टम ये सब में थे स्टूल कैसा रहता है स्टूल वॉटरी डार्क ब्राउन कलर का फिटाइड स्मेल लाइक ए कैरी ऑन इन वॉलेंट्री ठीक है स्मेल लाइक ए कैरियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये अपन को सोराना में देखने को मिलता है एग्रावेशन कब है नाइन में होता है वन टू फोर ए एम में ठीक है आफ्टर द सीवियर एक्यूट डिसीज टीथिंग इन द चिल्ड्रन वैन वेदर चेंजेस तो ये कंडीशन में एग्रावेशन अपन को देखने को मिलेगा और स्पेशली नाइट में बच्चों में जब वेदर चेंज होता है तो ये एग्रावेशन टाइम में देखने को मिलेगा अब स्किन देखते हैं स्किन कैसा रहेगा एबनॉर्मल टेंडेंसी टू रिसीव स्किन डिसीजेज जैसे कि सल्फर में होता है इरप्शन ईजिली सुपरेट ये हिपर सल्फ में देखने को मिलेगा ड्राई इनेक्टिव रियली स्वेट्स डर्टी लुक एज इफ नेवर वॉस्ड ऐसा लगेगा कि पेशेंट कभी नहाया ही नहीं है यह अपन को सल्फर में भी देखने को मिलता है साथ ही साथ क्या रहेगा कोर्स ग्रीसी एज इफ बाथे दिन ऑयल बैड इफेक्ट फ्रॉम सप्रेशन ऑफ सल्फर एंड जिंक ऑइनमेंट ठीक है तो ये अपन ने देख लिया इसके पेशेंट के स्वराइनम के अपन ने हेडेक देख लिया डायरिया देख लिया साथ ही साथ ही स्किन के भी सिम्टम देख लिए तो ये सबको आप लोग अच्छे से एक बार रीड करिएगा ठीक है डायरिया कैसा था सडन था वायलेंट था नाइट में एग्रा है एंड कैरियोट कैरियन लाइक ए स्मेल था इसमें ठीक है बच्चों में स्पेशली टीथिंग प्रॉब्लम या वेदर चेंज होने के टाइम पे अपन को ये सिम्टम देखने को मिलता है साथ ही साथ स्किन कैसे रहती है डर्टी नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं अपन फ्रेंड्स रूमैक्स रूमैक्स में कैसा रहेगा डायरिया यर्ली मॉर्निंग डायरिया फ्रॉम फाइव टू टेन ए एम और कौन कौन सी मेडिसिन है एलोई नेट्रम सल्फ पोडोफाइलम एंड सल्फर इन सब में क्या रहता है यर्ली मॉर्निंग डायरिया एंड एग्रावेशन टाइम क्या है इसमें फ़ाइव टू टेन एम में देखने को मिलेगा स्टूल कैसा रहेगा पेनलेस रहेगा प्रोफ्यूज ऑफेंसिव सडन अर्जिंग ड्राइविंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग ठीक है इसमें स्किन इस कैसा रहता है ईजिंग ऑफ वेरियस पार्ट एग्रावेटेड बाय कोल्ड एंड relieved बाय warmth. ठीक है रिलीव बाय warmth है इसमें एंड कोल्ड से एग्रावेशन है स्किन इरप्शन में वैन अनड्रेसिंग अनकवरिंग और एक्सपोजिंग टू कोल्ड एयर इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है Hyper सर्फ नेटम सर्फ एंड ओलियंडर तो इस तरह से अपन ने देख लिया रूमैक्स का स्किन एंड डायरिया के सिम्टम चलिए आगे देखते हैं अपन सल्फर के देखते हैं सल्फर में कैसा रहता है स्किन सिक हेड एक एवरी वीक और एवरी टू वीक्स में ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हेड एक कैसा रहता है पेशेंट में एवरी वीक और एवरी टू वीक्स में हेड एक देखने को मिलेगा सल्फर में प्रोस्टेटिंग वीकनेस सेंगुनेरिया ठीक है प्रोस्टेटिंग वैकिंग सेंगुनेरिया विथ हॉट वर्टेक्स एंड कोल्ड फीट हॉट वर्टेक्स रहेगा मतलब हेड जो है वो हॉट रहेगा और कोल्ड रहेगा फीट यानी उसके पैर ठंडे रहेंगे स्किन कैसा रहता है ईचिंग वॉलपेटियस स्क्रैचिंग ठीक है एंड द रिलीफ बाय फील्स गुड टू स्क्रैच पेशेंट स्क्रैच करता है तब उसको रिलीफ मिलता है स्क्रैचिंग कॉज ए बर्निंग ठीक है स्क्रैचिंग करने से उसको बर्निंग भी होती है एंड एग्रावेटेड बाई हीट ऑफ बैड में तो ये किस में देखने को मिलेगा मर्ग में ठीक है हेड एक कैसा रहता है एवरी वीक और एवरी टू वीक्स में देखने को मिलेगा साथ ही साथ हेड क्या रहेगा हॉट रहेगा वर्टेक्स एंड फीट कैसे रहेंगी कोल्ड रहेंगी स्किन इक्शंस देखने को मिलेगा साथ ही साथ स्क्रैचिंग बहुत रहेगी स्क्रैचिंग को रिलीफ किससे मिलता है स्क्रैच करने से और स्क्रैच करने के बाद ही पेशेंट को बर्निंग फील होने लगती है तो ये बर्निंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है आप सभी जानते हैं सल्फर है फॉस्फोरस है आर्सेनिक है ट्रायस ऑफ बर्निंग मेडिसिन है ना तो इन तीनों में आप लोग कंपेरिजन करके ज़रूर पढ़िएगा ठीक है एंड एग्रावेटेड बाई हीट ऑफ बेड ठीक है ये मगस और में भी अपन को देखने को मिलेगा सोनेस इन द फोल्ड्स ये लाइकोपोडियम ये सिम्टम है डायरिया आफ्टर मिड नाइट एंड पेनलेस इसमें भी डायरिया मिड नाइट या अर्ली मॉर्निंग में रहता है और पेनलेस रहता है जैसे ही पेशेंट बेड से उठता है उसको मोशन आने लगती है ठीक है यर्ली इन द मॉर्निंग एलोई सोरायनम र्यूमेक्स एंड सल्फर तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन सी मेडिसिन है एलोई सोराइनम र्यूमेक्स एंड सल्फर में आपको ड्राइविंग आउट ऑफ बेड यर्ली इन द मॉर्निंग में डायरिया देखने को मिलेगा जो कि पेनलेस रहता है एज इफ द वेयर टू वीक टू रिटेन देयर ठीक है ऐसा लगेगा कि इसका बावल बहुत ज़्यादा वीक है तो इस तरह से आप लोग कंपैरिजन करके सभी मेडिसिन का याद करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू गो ऑन सींग द फ्लोइंग वाटर इज द करेटेस्टिक फीचर ऑफ ठीक है बहते पानी को देखने से किसको वर्टिगो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए थेरेडियन कोनियम मैक एंड द फैरामेट सो द राइट आंसर इज इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा राइट right आंसर है ऑप्शन सी फैरामेट में सिम्टम पर उनको देखने को मिलेगा चलिए वन बाय वन सभी को साथ में देखते हैं और कंपैरिजन करके याद करने की कोशिश करेंगे वन सभी मेडिसिन में वर्टिगो के सिम्टम वर्टिगो ऑन क्लोजिंग दाइज में कौन कौन सी मेडिसिन है थेरेडियोन लेकेसिस थूजा एंड ओपनिंग दाइज में कौन कौन सी मेडिसिन है टैबैकम एंड क्लो लुकिंग अपवर्ड में पल्सेटिला टीला एनसाइलिशिया एंड एन लुकिंग डाउनवर्ड में है कालमिया एक और कोई मेडिसिन मुझे याद नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लुकिंग डाउनवर्ड्स में वर्टिको के सिम्टम कालमिया में एक और कौन सी मेडिसिन उसमें देखने को मिलता है ठीक है तो ऑन द क्लोजिंग दाइज में कौन कौन सी मेडिसिन हो गई थेरेडियन ऑन लेके सेंथुजा ऑन द ओपनिंग दाइज में टेबेकम एंड द लुकिंग अपवर्ड में पल्स टी लाइन सेलिशिया तो चलिए आगे देखते हैं अपन बाकी मेडिसिन में वर्टिको के सिम्टम जैसे कि कोनियम मैग में कोनियम मैग में कैसा रहेगा बर्टिगो के सिम्टम लाइंग डाउन और टर्निंग इन बेड से अपन को वर्टिको के सिम्टम देखने को मिलेंगे इसमें लाइंग डाउन और टर्निंग इन बेड साथ ही साथ और क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे अपन को कॉनियम मैक में मूविंग द हेड स्लाइटली और इवन द आईज मस्ट कीप दम हेड परफेक्टली स्टील और टर्निंग द हेड टू द लेफ्ट और ओल्ड पीपर विथ ओवेरियन एंड यूटेराइन कम्पलेंट्स तो ये सभी सिमटम अपन को कॉनियम में देखने को मिलेंगे बर्टिगो में क्या क्या है पहला सबसे पहला तो इसमें लाइंग डाउन और टर्निंग इन बेड में है साथ ही साथ मूविंग द हेड स्लाइडली अपने हेड को स्लाइडली मूव करेगा तब भी उसको वर्टिको की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इवन द आइज मस्ट कीप दैम हेड परफेक्टली स्टील आइज को भी टर्न करेगा तो भी उसको हैड होगा अपने ठीक है साथ ही साथ क्या होगा उसमें मस्ट कीप द हेड परफेक्टली स्टील अपने सिर को स्थिर रखने की कोशिश करेगा ताकि उसको वर्टिको की प्रॉब्लम ना हो द हेड टू द लेफ्ट और टू द ओल्ड पीपल विथ ओवेरियन एंड यूटेराइन कंप्लेंट्स में भी जिनको यूटेराइन एंड ओवेरियन कंप्लेंट्स रहते हैं उनको भी ये हेड वर्टिगो की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ठीक है तो अपन ने सभी मेडिसिन के कंपैरिजन देख लिए वर्टिको के सिम्टम ठीक है ऑन क्लोजिंग दाइज में कौन कौन सी मेडिसिन थी लैकेसिस थूजा एंड था, थायरोडिनम एंड ओपनिंग दाइज में थी टेबेकम और आ, लुकिंग अपवर्ड में थी पल्स एंड सालिशिया एंड डाउनवर्ड में थी कालमिया ठीक है तो इसको आप लोग याद रखिएगा कोनियम के सिम्टम देख लिए अपन हेड टर्निंग करने से इसमें हेड की वर्टिगो की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है साथ ही साथ यदि आइस को भी थोड़ा सा स्लाइटली टर्न करता है या हेड थोड़ा सा टर्न हो जाता है तो पेशेंट को वर्टिगो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ठीक है साथ ही साथ अपन ने देख लिया था पैरामेड में मेन सिम्टम क्या था सींगे फ्लोइंग वाटर देखने से वर्टिगो की प्रॉब्लम हेड का डिटेल में देख लेते हैं वर्टिगो का विथ बैलेंसिंग सेंसेशन एज इफ वन ऑन वाटर ऑन द सींग फ्लोइंग वाटर देखने से इसमें बर्टिकों की प्रॉब्लम होती है वैन वॉकिंग ओवर द वाटर एज वैन क्रॉसिंग ए ब्रिज ठीक है ब्रिज क्रॉस करने के टाइम में या सींग ए फ्लोइंग वाटर देखने के टाइम में ये बर्टिंगों की प्रॉब्लम होती है क्रॉसिंग ए ब्रिज में लाइसना में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है ऑन डिसेंडिंग ठीक है क्या क्या है फिर से देख लेते हैं अपन विद बैलेंसिंग सेंसेशन एज इफ ऑन दाटर ऑन द सींग फ्लोइंग वाटर वेन वॉकिंग ओवर द वॉटर एस वेन क्रॉसिंग ए ब्रिज लाइसिनम ऑन डिसेंडिंग में कौन सी है बोरिक्स एंड सेनिकुलर ये सारे सिम्टम अपन को पैरामेड में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लेन सपेयर डाइगोनली अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट इज ए फाउंडिंग ठीक है कम्प्लेन अगर यदि अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट में किस किस मेडिसिन में अपन को देखने को मिलेगा क्या क्या ऑप्शन दिए गए एम्ब्रोग्रिशिया ब्रोमियम एंड द मेडोराइनम तो राइट right आंसर क्या है ऑल ऑफ द अबो तो इन सभी मेडिसिन में अपन को डायगोनली कम्प्लेंट्स अपेयर दिखाई देंगे अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट पार्ट में ठीक है तो चलिए वन बाय वन सबके बारे में देखते हैं सिम्टम क्या क्या है बोरी की रिपर्टरी में अपन को जनरलिटीज चैप्टर में अपन को देखने को मिलेगा रूबरिक है कंप्लेंट्स सिम्टम अप्रियंसेस एटिपिकली मॉस्कस डाइगोनली अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट साइडेड अगेरिकस एनटीम टार्ट एंड एस्टेनम इस्टेनम मैट में ठीक है अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट तो ये कौन कौन सी मेडिसिन हो गई अगेरिकस एनटीम टार्ट एंड स्टामोनियम एंड अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट में अपन देखिए अपन एम्ब्रोगिया एंड ब्रोमियम मेटोराइनम फॉस्फोरस एंड सल्फरिक एसिड ठीक है तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा दोनों को अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट में कौन कौन सी मेडिसिन है है गैरिकस एंटीमटाट एंड एस्ट्रामोनियम एंड अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट में है एमरा एमराग्रिसिया ब्रोमियम मेटोराइनम फॉस्फोरस एंड सेल्फरिक एसिड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ठीक है अबउ डाउनवर्ड किस में देखने को मिलेगा अपन को कैक्टस एंड कॉलमिया में सिम्टम कंप्लेन्ट्स अबउ डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे की ओर कैक्टस एंड में बिलो अपवर्ड में अपन को देखने को मिलेगा लीडम पाल में ग्रेजुअली है कैलकेरिया सैलिशिया सिंकोना रेडियम एंड टेलोरियम में सीजेस ग्रेजुअली सीजेस ग्रेजुअली किस में देखने को मिलेगा नाइट्रिकम प्लेटिना स्टेनम मेट एंड कार में नेक्स्ट है सीजेस सडनली कौन किस मेडिसिन में इग्निशिया पल्सेटिला सलफोरी केसिस ठीक है तो ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा अबव डाउनवर्ड बिलो डाउनवर्ड ग्रेजुअली सीजेस ग्रेजुअली एंड द सीजेस सडनली ठीक है एंड अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट एंड अपर लेफ्ट एंड एं लोअर राइट ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर स्टूल इज क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ एनस इज ए सिम्टम ऑफ ठीक है क्या है क्वेश्चन स्टूल क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ़ एनस कौन कौन सी मेडिसिन में ये सिम्टम देखने को मिलेगा सैनिकुलर मैग्नीशियम म्यूर बोथ सैनिकुलर एंड मैग्नीशियम म्यूर एंड नॉर सैनिकुलर और मैग्नीशियम म्यूर ठीक है या तो दोनों में सिंगल सिंगल या दोनों में मिलेगा या फिर किसी में नहीं तो राइट right आंसर क्या है ये सिम्टम दोनों मेडिसिन में देखने को मिलेगा सैनिकुलर एंड मैग्नीशियम म्यूर में तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं सैनिकुलर के स्टूल में या कॉन्स्टिपेशन में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा अपन को नो डिजायर अंटिल ए लार्ज एक्यूमिलेशन आफ्टर द ग्रेट स्ट्रेनिंग स्टूल पार्सली एक्सपेल रिसीड बैक अगेन ठीक है ये सिम्टम सेलिशियर थूचा में भी देखने को मिलता है लार्ज एक्यूमिलेशन ऑफ स्मॉल ड्राई ग्रे बॉल्स मस्ट बी रिमोव मैकेनिकली ठीक है ये किसमें है सेलिनियम में स्टूल हार्ड इम्पॉसिबल टू इवेक्वेट ऑफ ग्रेइस वाइड बॉल्स लाइक ए बंट लाइक ए क्रम्बलिंग फ्रॉम वर्ज ऑफ एनस मैगम्यूर विथ ऑर्डर ऑफ लिम्बरगर चीज लिम्बरगर चीज़ जैसे इसमें ऑर्डर या स्मेल देखने को मिलती है मीन्स इसका स्टूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा एकोमलेसन नहीं हो जाता तब तक इसे मोशन पास करने की इच्छा नहीं होती है साथ ही साथ मैकेनिकली कई बार रिमूव करना पड़ता है तो ये सारे सिम्टम अपन को सेनिकुल्ला एंड मैगनोर में देखने को मिलता है एयर फॉर्म ऑफ कॉन्सिपे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है बिल्कुल डिजायर नहीं रहती है पेशेंट में जब तक कि लार्ज एक्यूमलेशन ऑफ मोशन का नहीं हो जाता है तब तक साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है स्टूल को पार्सली बाहर निकालने के लिए एक्सपेल करने के लिए फिर भी मोशन वापस बैक टू वापस बैक हो जाती है इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगानी पड़ती है ये सारे सिम्टम अपन को सालिशिया और थूजा में भी देखने को मिलता है ठीक है कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को ड्राई रहता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग लगानी पड़ती है ठीक है बॉल बौ, ग्रे बॉल लाइक रहता है मोशन रिमूव मैकेनिकली मैकेनिकली कई बार इसको रिमूव भी करना पड़ता है पेशेंट को ठीक है स्टूल हार्ड इम्पॉसिबल टू इवाकुएट और ग्रे इज वाइट बॉल्स लाइक ए बर्न क्रम्बलिंग फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस मैगम्यूर विथ ऑर्डर ऑफ लिम्बर्गर चीज ठीक है तो ये सिम्टम भी आप लोग याद रखिएगा लिम्बर्गर चीज़ किस में ऑर्डर स्मेल देखने को मिलता है साथ ही साथ क्रम्बलिंग ऑफ वर्ज ऑफ एनस तो ये दोनों मेडिसिन में ये सिम्टम देखने को मिलेगा सैनिकुलाइन मैगमूर में बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है तो ठीक है आप लोग को सिम्टम अच्छे से याद हो गए होंगे दोनों मेडिसिन के तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैगम्यूर में भी उसी तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिपेशन के स्टूल कैसा रहता है स्टूल हार्ड स्कैंटी लार्ज नॉटी लाइक ए शिवडंग ठीक है ये डंग को आप लोग याद रखिएगा डंग स्टूल और किस में देखने को मिलता है याद करिए आप लोग ठीक है स्टूल हार्ड रहेगा स्कैंटी लार्ज नॉटी लाइक ए डंग डिफिकल्ट टू पास कंबलिंग एट द वर्ज ऑफ एनस एमोनियम म्यूर यूर ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग ए डेंटिशन के टाइम में यदि ये सिम्टम देखने को मिले तो अपन पेशेंट को या बेबी को बैग म्यूर देते हैं ठीक है सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिले बेबी को ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम में तो अपन मैगब्यूर मेडिसिन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे ठीक है ये एलेंस की नोट में ये सिम्टम दिया गया है बाकी बोरिक में भी ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फाइव इन द फॉलोइंग विच पेयर इज ए नॉट करेक्ट इन सभी पेयर में कौन सा पेयर है वो करेक्ट नहीं है स्पाइजिल रोमैटिक बाराटा कार्यूबरकुलर डायथिसिस एलुमिना साइकोटिक एंड एमोनियम कार और हिमरेजिक डायथिसिस तो इसमें से कौन सा है रॉन्ग पेयर तो क्या है राइट right आंसर क्या है ऑप्शन सी एलुमिना साइकोटिक नहीं है बाकी सभी राइट right है स्पाइजिलिया रोमैटिक डायथीसिस बराइटा कार्परकुलर एंड एमोनियम कार्विमेजिक डायथीसिस तो चलिए देखते हैं इसके बारे में यह है रूमेटिक डायथिस क्या है इसमें सिम्टम रोमेटिक अफेक्शन ऑफ द हार्ट काली बाई लिडम नाजा ठीक है सिस्टोलिक ब्लोइंग एट द अपेक्स तो ये रोमैटिक डायथिस के अंतर्गत आएगा इस्पाइजिलिया तो ये ट्रू है देखते हैं बराइटा कार जो कि ट्यूबरकुलर कुलर है स्पेशली अडेप्टेड टू कम्प्लेन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड हुड द सोरी को ट्यूबरकुलर्स स्क्रोफुलस ड्रॉफीज चिल्ड्रन हु डू नॉट ग्रो चिल्ड्रन्स हु ग्रो टू रैपिडली कैलकेरिया कार ठीक है ये बेबी क्या रहता है बहुत ज़्यादा ड्रॉफिस रहता है मेंटली एंड फिजिकली इसमें अपन को ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिलता है साथ ही साथ कम्प्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड हुड स्पेशली इन द दोरी कैन ट्यूबरकुलर स्क्रोफुलस ड्रॉफीज चिल्ड्रंस हु डू नॉट ग्रो ठीक है एंड द चिल्ड्रन हु ग्रो टू रैपिडली वो अपन को कैलकेरिया काम में देखने को मिलेगा उसी तरह अपन देखते हैं नेक्स्ट है एलुमिना जो कि साइकोटिक नहीं है ये राइट right आंसर नहीं है ये क्या है सोरिक म्याज है और स्क्रोफुलस डाइथिस से अपन को देखने को मिलेगा एलुमिना में कैसा रहता है पेशेंट स्फेयर ड्राई थीन सब्जेक्ट्स डार्क कॉम्प्लेक्शन माइल्ड चेयरफुल डिस्पोजिशन हाइपोकंडसिस ड्राई टैट्री इचिंग इरप्शन बर्स इन विंटर ठीक है कैसा रहेगा स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट्स, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा माइल्ड जीअरफुल डिस्पोजिशन हाइपोकॉन्ड्रियसिस टैट्री इचिंग इरप्शन बर्स इन द विंटर यहाँ का पेशेंट साइकोटिक नहीं है सोरिक है और स्क्रोफुलस डाइथिस देखने को मिलेगा ठीक है साथ ही साथ इसमें और क्या सिम्टम रहेगा पेशेंट में इनटॉलरेबल इचिंग ऑफ वुल बॉडी वेन गेटिंग ए वॉर्म इंग बेड ये सल्फर में भी देखने को मिलेगा स्क्रैचेस अनटिल द ब्लीड्स एंड देन बिकम ए पेनफुल फीचर्स पॉइंट टू सोरा ठीक है तो ये सारे सिम्टम्स सोरा की ओर इंडिकेट करते हैं ये सारे सिम्टम ठीक है वॉम से बेड से उसमें स्किन इरप्शन में इचिंग में प्रॉब्लम हो देखने को मिलती है साथ ही साथ स्क्री स्क्रैचिंग के साथ साथ ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है तो ये सारे सिम्टम्स सोरा के होते हैं ना कि साइकोटिक के तो एलोमिना क्या है सोरिक खम्याज में है साथ ही साथ इसमें स्क्रोफुलस डायथिस देखने को मिलता है और ये सारे फीचर अपन को एलुमिना के पेशेंट में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स अमोनियम कार्ब जिसमें कि अपन को हिमरेजिक डायथिस देखने को मिलता है फ्लूड ब्लड एंड डिजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पल्सिस अल्सरेशन टेंट टू गैंग्रीन ठीक है तो ये सारे सिम्टम अपन को अमोनियम कार में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स हिज कंट्रीब्यूशन इज ए मोर ऑन रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज किसका कंट्रीब्यूशन था रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज डॉक्टर गिप्सन मिलर डॉक्टर जे टी कैंट डॉक्टर विलियम बोरिक या डॉक्टर नेस ई बी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गिब्सन मिलर रिलेशनशिप ऑफ़ रेमेडीज इस कंट्रीब्यूशन इज द मोर ऑन रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ तो चलिए इनके बारे में जानते हैं रॉबर्ट गिप्सन मिलर रोट स्टडीज़ ऑफ होम्योपैथी रेमेडीज़ ऑन द कंपेटिव वैल्यू ऑफ सिम्टम इन द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ एंड साइड ऑफ द बॉडी रेमेडीज़ रिलेटेड टू वन एन अदर इन डिफरेंट वेज एंड रेमेडी में बी ए कम्प्लीमेंट्री और इनिमिकल और एंटीडोटल डोटल टू अनदर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंसिडर फॉर द सक्सेसफुल प्रिस्क्राइबिंग ठीक है क्या क्या था ग्रिप्शन मिलर का ऑन द कंपेरेटिव वैल्यू ऑफ सिम्टम इन द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज इन साइड ऑफ द बॉडी रेमेडीज़ रिलेटेड टू वन एंड अदर इन डिफरेंट वे एंड द रेमेडी में भी द कॉम्प्लीमेंट्री और इनिमिकल और दिस इज़ important इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंसिडर फॉर द सक्सेसफुल प्रिस्क्राइबिंग के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं रॉबर्ट गिब्सन मिलर 1862 टू 1919 ठीक है बॉर्न कब हुए थे 1862 में एंड डेथ हुई थी 1919 में वॉज एन इंग्लिश मैन बॉर्न इन कैंटीन एटीन हंड्रेड सिक्सटी टू एंड वॉज एजुकेटेड बिल्लर लॉज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लास ग्लासगो वे ही ग्रेजुएटेड इन मेडिसिन इन द एटीन हंड्रेड एटी फोर एंड ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर हु कन्वर्टेड टू होम्योपैथी ठीक है ये भी हम एलोपैथी प्रैक्टिस ही करते थे बाद में ये कन्वर्ट हुए होम्योपैथी में रॉबर्ट ट्रेवल टू सेंट लुइस टू ट्रेन एंड जेम्स टेलर कैंट एंड ऑन हिज रिटर्न ठीक है एन ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर हु कन्वर्टेड टू होम्योपैथी रॉबर्ट ट्रैवल टू सेंट लुइज टू ट्रेन विद जेम्स टेलर कैंट एंड ऑन हिज रिटर्न ठीक है जेम्स ट्रेन टेलर कैंट के साथ ये ट्रेन से रिटर्न हो रहे थे तभी उस टाइम पे ये होम्योपैथी के बारे में जाने और उसके लिए कन्वर्ट हुए ही फाउंडेड द ग्लास ग्लो होम्योपैथी हॉस्पिटल हिज बुक एंड आइडियाज़ आर स्टिल वेरी इन्फ्लुएंशियल टुडे फॉर द मॉडर्न होम्योपैथी ठीक है तो ये भी पहले एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे बाद में फिर ये डॉक्टर कैंट के संपर्क में आते हैं और होम्योपैथी में कन्वर्ट हो जाते हैं कैंट के बारे में इनके बारे में तो आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे जेम्स टैलर कैंट 1849 हंड्रेड फोर्टी एंड नाइनटीन तक ठीक है बर्थ कब हुआ था 1849 एंड डेथ हुआ था 1916 में वाज एन अमेरिकन होम्योपैथी फिजिशियन ठीक है ये अमेरिका से थे ब्रिटिश स्कॉलर ऑफ होम्योपैथी फ्रांसिस ट्रॉजेस हैज करेक्टरस्टिक जेम्स टेलर कैंट एज द अल्टीमेट होम्योपैथी ऑफ द पीरियड वैन द होम्योपैथी फ्लोरिस्ड इन द अमेरिका ठीक है बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे उस टाइम पे ये

ट्वेंटी एट नवंबर एटीन हंड्रेड फोर्टी नाइन एंड वन अप्रैल नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन तक थे ठीक है ट्वेंटी एट नवंबर में इनका बर्थ है एटीन हंड्रेड फोर्टी नाइन में एंड एक अप्रैल नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन में इनकी डेथ हो गई थी वॉज ए ऑस्ट्रेलियन बॉर्न अमेरिकन फिजिशियन ठीक है ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है लेकिन अमेरिकन फिजिशियन हैं ये भी अमेरिका में फिजिशियन थे और डॉक्टर कैंट भी एंड एडेरेंट एंड इन्फ्लुएंशियल एक्सपोर्टेंट ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन

ऑस्कर यूजेन बोरिक एम डी ऑल्सो एज ए होम्योपैथी फिजिशियन अपन डॉक्टर ई बी नेस के बारे में यूजेने बॉचेरिस ई बी नेस इनका शॉर्ट नाम बॉर्न हुए थे एटीन हंड्रेड थर्टी एट में ऑन द अमेरिकन लीडिंग नाइनटीन सेंचुरी होम्योपैथ ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द क्लीवेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज इन एटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर ही सर्व एज ए प्रोफेसर ऑफ मटेरिया मेडिकल एंड न्यूयॉर्क होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड ऑल्सो टॉर्ड एट द होम्योपैथी हॉस्पिटल ऑफ लंडन He is best known as an author of books on homeopathy. He is a an veterinary in the homeopathy recorder. Remember him as. He is a optinary in the homeopathy recorder. Remember him as. One of the great teacher of the medicine. We will live in his book and in the hearts of the many doctors. He has a help to the better physician. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन कॉल्सिकम पेशेंट कंप्लेन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ यूरिन ठीक है कॉल्सिकम पेशेंट में किस तरह के यूरिन अपन को देखने को मिलेगा टर्बिड डार्क कलर इंकी मिल्की वाइट और ब्लडी ऑफेंसिव तो कॉल्सिकम में यूरिन के करेक्टर कैसा रहता है डार्क कलर इंकी राइट आंसर इज ऑप्शन बी तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अपन कॉल्सिकम में यूरिन का करेक्टर कैसा देखने को मिलेगा अपन को यूरिन डार्क स्कैंटी और सप्रेस इन ड्रॉप्स विथ वाइट सेडिमेंट, ब्लडी ब्राउन ब्लैक इंकी कंटेन क्लाट्स ऑफ प्यूट्री डॉम्पोज ब्लड एल्बूमिन एंड सुगर यूरिन डार्क स्कैंटी और सबरेज ब्लडी ब्राउन ब्लैक इंकी, ठीक है तो ये सारे सिम्टम अपन को इसमें देखने को मिलेगा ये सब फिर से रिपीट वही लिखा हुआ है ठीक है कैसा रहेगा इसका डार्क ब्लैक ब्राउन सैडिमेंट वाइट कलर का कभी कभी ब्लडी भी रहता है प्यूट्रीड रहेगा डिकम्पोज ब्लडी एल्मीन एंड शुगर भी अपन को कभी कभी देखने को मिलेगा तो ये सारे कैरेक्टर कौचि कम में रहेंगे यूरिन के करेक्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट मर्क्यूरिस सीज एंटीडोटेड बाय ठीक है मर्ग सॉल किस एंटीडोट होता है आर्म मेट से हिपरसल से या एसिड नाइट्रिक से या ऑल ऑफ दी अबो सो द राइट आंसर क्या है मर्ग सॉल सभी से एंटीडोट होगा एरम मेड से भी हिपसॉल से भी एंड एसिड नाइट्रिकम से भी तो क्या सिम्टम है इसमें मगसॉल में द बैड इफेक्ट ऑफ मक्स आर एंटीडोटेड बाय आरम हिपसल लेकेसिस मेजेरियम नाइट्रिक एसिड सल्फर एंड बाय स्ट्रांग पोटेंसी ऑफ मर्क ठीक है तो ये सभी है जो कि एंटीडोट करते हैं मक्सॉल को ये सिम्टम अपन को सब कहाँ देखने को मिलेगा ये एलेंस की नोट से लिया गया है ठीक है तो इसके अलावा और भी मेडिसिन है जो कि मकसर को एंटीडोट करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन इंटरमीडियन फ्लो ऑफ यूरिन ग्रेट डिफिकल्ट इन पासिंग ए यूरिन यूरिन फ्लो स्टॉप एंड फ्लो अगेन फ्रॉम द प्रोस्टेट एंड यूटेराइन अफेक्शन इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ़ ये सारे सिम्टम किस मेडिसिन में देखने को मिलेंगे कोनियम बर्बेरिस वलगेरिस एपिसमेल या सेबल सेरुलेटा तो क्या है सिम्टम अपन फिर से एक बार देखते हैं इंटरमीडियन फ्लो ऑफ यूरिन ग्रेट डिफिकल्ट इन पासिंग ए यूरिन यूरिन फ्लोस स्टॉप एंड फ्लो अगेन फ्रॉम द प्रोस्टेट एंड यूटेराइन अफेक्शन तो ये सारे सिम्टम अपन को कोनियम में देखने को मिलेंगे राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोनियम। तो कोम में यूरिन के सिम्टम देख लेते हैं वर्स एट नाइट वेन लाइंग डाउन एंड ड्यूरिंग ए प्रेग्नेंसी साथ ही साथ इसमें और कौन कौन सी मेडिसिन है कॉस्टिका मैन काली ब्रोम में भी ये सिम्टम देखने को मिलेंगे वर्स एट नाइट पेन लाइंग डाउन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रेट डिफिकल्टी इन वाइडिंग यूरिन फ्लो इंटरमिटेंट्स, इंटरमिट्स देन फ्लो अगेन प्रोस्टेटिक एंड यूटेराइन अफेक्शन भी हो साथ में तो ये सारे सिम्टम कोनियम में देखने को मिलेंगे मैंसेज कैसे रहते हैं कोनियम के फीबल स्प्रेज टू लेट स्कैंटी और शार्ट शॉर्ट ड्यूरेशन विथ रेसेस ऑफ स्मॉल रेड पिम्पल्स ओवर द बॉडी विच सीजेज विथ द फ्लो तो ये डल का मारा में भी ये सिम्टम देखने को मिलेंगे ठीक है मैंसेज कैसा रहता है टू लेट स्कैंटी और शॉर्ट ड्यूरेशन विथ रेसेस ऑफ स्मॉल रेड पिम्पल भी साथ में देखने को मिले तो ये सिम्टम अपन को कोनियम में देखने को मिलेंगे साथ ही साथ यूरिन के सिम्टम भी देख लीजिए इसके ठीक है अपन बाकी मेडिसिन में भी यूरिन के सिम्टम देख लेते हैं तो कोनियम के यूरिन के सिम्टम तो अपन ऊपर देख ही लिए हैं अब आगे देखते हैं बर्बेरिस वालगरीज़ में यूरिन के सिम्टम कैसे रहेंगे यूरिन कैसा रहेगा ग्रीनिस ब्लड रेड विथ थिक स्लाइमी म्यूकस ट्रांसपेरेंट रेडिस -like और जेली लाई के सेडिमेंट मोवमेंट ब्रिंग ऑन और इंक्रीज यूरिनरी कम्पलेंट्स ठीक है मूवमेंट करने से यूररी कम्पलेंट्स भी इंक्रीज होने लगता है साथ ही साथ यूरिन कैसा रहेगा ग्रीनिश ब्लड रेड विथ स्थिक स्लाइमी म्यूकस रहेगा ट्रांसपेरेंट रेडिस और जेली लाई के सेटिमेंट -like हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट मेडिसिन एपी स्मेल एपी स्मेल में अपन को यूरिन के सिम्टम कैसे देखने को मिलेंगे इनकंटीनस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरीटेशन ऑफ द पार्ट्स कैन स्केयरली रिटेन द यूरिन एंड मोमेंट एंड वैन ए पाज स्कॉल्ड एक्ससीवियरली फ्रीकुंट पेनफुल स्कैंटी ब्लड ही ठीक है तो ये सारे सिम्टम अपन को एपिस में देखने को मिलेगा इन इनकटिन्यंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरीटेशन ऑफ द पार्ट कैन स्केयरली रिटेन द यूरिन एंड मोमेंट एंड वैन ए पाज स्कॉल्ड एक्सिवियरली फ्रीकुंट पेनफुल विथ स्केंटी ब्लडी यूरिन देखने को मिलेगा नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड सेबल सेरोटा इसमें कैसा ही सिम्टम रहेगा यूरिन का कॉन्स्टेंट डिजायर टू पास ए वाटर एट नाइट एन्यूरेसिस पेरेसिस ऑफ स्प्रिंक्टर वैसे के क्रॉनिक गोनोरिया डिफिकल्ट यूरिनेशन सिस्टिक विथ प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी ठीक है तो ये सारे सिम्टम सेबल सेरोटा में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर टेन कोराइजा एंडिंग इन डायरिया इज ए फाउंडिंग पोथोस एलियम सिपा सैलिशिया एंड सेलिनियम, तो ये सारे सिम्टम किस में देखने को मिलेगा इसका आंसर आप लोग को अच्छे से पता ही होगा राइट आंसर है ऑप्शन डी सेलिनियम में कोराइजा तो एंडिंग इन डायरिया ठीक है डायरिया के एंड होने पे अपन को कोराइजा देखने को मिलेगा सेलिनियम में तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो पहले, पहले देखते हैं पोथोज में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पोथोस और इसका मदर टीन बहुत ही अच्छा वर्क करता है मैं अपने क्लिनिक में इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ कफ कोल्ड वाले पेशेंट में तो इसमें कैसा रहता है स्नीजिंग विथ पेन इन थ्रोट पेन इन चेस्ट विथ डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग टंग फील से नम एंड अस्थमा रिलीफ बाय स्टूल ठीक है तो ये सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे पोथोज में स्नीजिंग विथ पेन इन थ्रोट ठीक है स्नीजिंग के साथ थ्रोट पर पेन पे पे रहेगा पेन इन चेस्ट विथ डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती हो साथ ही साथ टंग फिल से नम तो ये सारे सिम्टम अपन को कोथोज में देखने को मिलेंगे जी पा ये बहुत अच्छी मेडिसिन है कप कोल्ड इनकोराइजा के लिए साथ ही साथ स्नीजिंग हो एलर्जिक राइनाइटिस हो उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है तो इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे अपन को कोराइज़ा कैसा रहेगा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज ठीक है नेजल डिस्चार्ज इसमें एक्रिड रहता है जस्ट अपोजिट टू यूफ्रेशिया यूफ्रेशिया में आइस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्रिड रहेगा और एलियम सिपा किससे बनी होती है ऑनियन जिसे कि अपन प्याज कहते हैं लेकिन ऑनियन क्या होता है जब अपन ऑनियन काटते हैं तो आँख से डिस्चार्ज एकट निकलता है लेकिन एलियम सिपा में इसके सिम्टम जस्ट अपोजिट होता है इसमें नेजल डिस्चार्ज है वो एकट रहता है और यूफ्रेशिया में आइस डिस्चार्ज है वो एक््रिड रहता है तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज मत होइएगा विद प्रोफ्यूज़ ब्लैंड लेक्राइमेशन ठीक है लेक्राइमेशन रहेगा वो ब्लैंड रहेगा और नेजल डिस्चार्ज है वो एकट रहेगा और इसके जस्ट अपोजिट होता है यूफ्रेशिया में ठीक है प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स ब्लैंड एंड फ्रोन कोराइजा यूफ्रेशिया में देखने को मिलेगा एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रोपिंग फ्रॉम टिप्स ऑफ द नोज ये आर्सेनिक में आरसाइवोड में देखने को मिलेगा क्या सिम्टम है एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज में तो ये आर्सेनिक एंड आरसाइवोड में देखने को मिलेगा नेक्स्ट है एलियम सिपा -E में और क्या देखने को मिलेगा अपन को स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्ट विंड डिस्चार्ज बर्न एंड करोरज अंडल लिप हे फीवर इन एगस्ट एवरी ईयर एंड द वॉयिंग ऑन राइसिंग फ्रॉम द बेड फ्रॉम द हैंडलिंग ए पिचेस एंड द नेजल पॉलिप्स ठीक है तो स्प्रिंग इस कॉलर इसमें हमको देखने को मिलेगा और डिस्चार्ज इसके कैसे रहेंगे बर्न एंड करोरज द नोस एंड अपल लिप्स साथ ही साथ हे फीवर इन एगस्ट एंड एवरी ईयर वॉयेंट स्नी ऑन डाइसिंग फ्राम दैट फ्राम देंडलिंग पीचेज एंड नेजल पॉलिप्स नेक्स्ट मेडिसिन है सेलिशिया इसमें क्या सिम्टम रहेंगे ईचिंग एट द पॉइंट ऑफ द नोज ड्राई हार्ट क्रच फ्राम द ब्लीडिंग वैन द लूजेड नेजल बोन्स सेंसिटिव स्नीजिंग इन द मॉर्निंग ऑबस्ट्रक्टेड एंड लॉस ऑफ स्मेल एंड द प्रो परफोरेशन ऑफ द सेप्टम ठीक है क्या क्या सिम्टम है देखते हैं फिर से इचिंग एट द पॉइंट ऑफ नोज ईजिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ड्राई हार्ट क्रस्ट फ्रॉम द ब्लीडिंग वैन द लूजेंड ठीक है ड्राई हार्ट उसमें डिस्चार्ज रहेंगे क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और जैसे ही लूज होगा या इसको अपन निकालेंगे तो उसमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी नेजल बोन्स सेंसिटिव रहेंगे स्नीजिंग इन द मॉर्निंग ऑब्स्ट्रक्टेड एट द लॉस ऑफ स्मेल ठीक है मॉर्निंग में स्नीजिंग देखने को मिलेगा नोज भी ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा साथ ही साथ स्मेल लॉस ऑफ स्मेल भी रहेगा प्रफोरेशन ऑफ द सेप्टम भी देखने को मिलेगा तो ये सब सिम्टम सेलिशियम में रहेंगे क्या सेलिनियम जिसके बारे में अपन जानते हैं कोराइजा एंडिंग इन डायरिया ये सिम्टम सेलिनियम में देखने को मिलेगा हंगरी एट नाइट सीना एंड सोराना में भी देखने को मिलेगा ये सिम्टम लॉन्गिंग फॉर स्परिचुअस लिक्वेड एंड ऑलमोस्ट इरेजिस्टिबल मैकेनिकल डिजायर मैनिकल डिजायर ठीक है क्या है इसमें कोराइजा एंडिंग इन डायरिया हंग्री एट नाइट कौन कौन सी मेडिसिन है साथ में सीना एंड सोराइना में भी रहेगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है आधी रात में भी ठीक है लॉन्गिंग फॉर स्परिचुअल लिक्वेड एंड ऑलमोस्ट इजिस्टिबल मैनिकल मैनिकल डिजायर भी रहेगा ठीक है तो ये सभी सिम्टम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी मेडिसिन के चलिए एक क्वेश्चन और ले, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन साटिका पेन बर्स स्टैंडिंग एंड रेस्टिंग ऑन फ्लोर इज द फाउंडिन ठीक है इन पिनकअप वर्स होता है स्टैंडिंग एंड रेस्टिंग ऑन फ्लोर तो ये सिम्टम किस मेडिसिन में देखने को मिलेगा रस्ट कॉस्टिकम वेलेरियाना एंड कोलोसिंथ में तो ये सिम्टम अपन को वेलेरियाना में देखने को मिलेगा राइट आंसर है ऑप्शन सी तो चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा सैटिका के सिम्टम देखते हैं सबसे पहले इसमें कैसा रहता है मस्कुलर रोमैटिज्म सैटिका लेफ्ट साइडेड लेफ्ट साइडेड और किस में रहता है कॉल्सिकम में एकंग इन द लेफ्ट आर्म विथ हार्ट डिसीज गेट एप्रीहेंशन एट नाइट फियर ही विल डाई ऑफ बींग ए पॉइन कैन नॉट रिमेन इन बैड ठीक है तो ये सभी सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे रोमैटिज्म में सल्फर के रस्ट ऑक्स के सॉरी ठीक है सियाडी का लेफ्ट साइडेड रहेगी राइट साइडेड मेडिसिन है आई थिंक रस्टॉक्स पर इसमें सैडिका रहता है लेफ्ट साइडेड साथ ही साथ कॉलिका में भी ये सिम्टम देखने को मिलेगा पेन कैसा रहता है एकिंग इन द लेफ्ट आर्म विथ हार्ट डिसीज साथ में साथ पेशेंट को हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम भी हो ग्रेट एप्रीहेंशन एट नाइट सी विल डाई बीइंग अ पॉइजन कैन नॉट रिमेन इन बेड ठीक है बेड में शांति से पेशेंट नहीं लेटता है ठीक है एक्टिविटी होती रहती है वो छटपटाता रहता है दर्द की वजह से और रेस्टलेसनेस फील करता है बहुत ज़्यादा तो ये सभी सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम कॉस्टिकम में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे रोमैटिक अफेक्शन विथ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फ्लैक्जर एंड स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट टेंशन एंड शॉर्टनेस ऑफ द मसल्स ठीक है क्या है फिर से देखते हैं रोमैटिक अफेक्शन विथ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फ्लैक्जर एंड स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट्स टेंशन एंड द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स और कौन कौन सी मेडिसिन है अमोनियम म्यूर एंड सीमेक्स एंड क्वाइकम एंड नेट्रम ठीक है तो ये सभी मेडिसिन में सिम्टम देखने को मिलेंगे इसमें देखते हैं सैडिका का सिम्टम कैसा रहता है पेन इज एग्रावेटेड वैन स्टैंडिंग एंड लेटिंग ए फुट रेस्ट ऑन द फ्लोर ये सिम्टम अपन को बेलाडोना में भी देखने को मिलेगा वैन स्ट्रेटनिंग आउट ऑफ द लिम ड्यूरिंग द रेस्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सर्शन एंड रिलीफ बाय वैन वॉकिंग पेशेंट जब वॉकिंग करता है तब उसको रिलीफ मिलता है तो ये सिम्टम अपन देख ही लिए हैं क्वेश्चन में तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे और मटेरियल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा एक बार में भी कोई मेडिसिन अच्छे से याद नहीं होती तो आप लोग इसको बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए रीड करने की कोशिश कीजिए तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए टेक केयर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक